नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने 9 जून को शपथ ली, लेकिन इसी दौरान सवाल ये है कि क्या नीतीश और नायडू का जादू चल गया है? क्या मोदी कैबिनेट में नीतीश नायडू को भर भर कर मंत्रालय मिले हैं? आखिर लोकसभा स्पीकर किस पार्टी के होंगे? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मोदी 3.0 सरकार की लिस्ट देख विपक्ष के होश क्यों उड़ गए? नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, लगातार तीसरी बार पीएम मोदी ने शपथ लेकर इतिहास रच दिया है, लेकिन आज सबसे अहम सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को बीजेपी ने अपनी अहमियत दी जितने कि वे हकदार है? आखिर जेडी और टीडीपी के खाते में कौन कौन से मंत्रालय आए? जानकारी के मुताबिक जेडीयू के खाते में 2 तो वहीं टीडीपी के खाते में 4 मंत्रालय आए हैं। हाँ, आपको बता दें कि मोदी के नए कैबिनेट में जगह पाने वाले 4 टीडीपी नेताओं में से 3 राम मोहन नायडू, हरीश बालयोगी और डग्गू मल्ला प्रसाद हैं। वहीं नीतीश कुमार के जेडीयू ने 2 सीनियर नेता लल्लन सिंह और रामनाथ ठाकुर के नाम शामिल हैं। रामनाथ ठाकुर भारत रत्न कपूरी ठाकुर के बेटे हैं। बीजेपी ने इस बार 240 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। बहुमत के आंकड़े 272 से इस बार बीजेपी 32 सीटें पीछे है। ऐसे में माना जा रहा था कि बीजेपी सहयोगियों को ज्यादा मंत्री पद ऑफर कर सकती है, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दिया। कुल 71 मंत्रियों में से 60 मंत्री पद बीजेपी ने अपने पास रखे हैं। इनमें 25 कैबिनेट मंत्री, 3 राज्य मंत्री और 32 राज्य मंत्री शामिल हैं। वहीं बीजेपी के मौजूदा लोकसभा सांसदों की संख्या मिले इन मंत्री पदों का प्रतिशत 25 है। इस तरह से बीजेपी के हर चौथे सांसद को मंत्री पद मिला है। एनडीए में इस बार बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी को मिली है। इस बार टीडीपी ने 16 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है, लेकिन उसके खाते में सिर्फ 1 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री का पद आया है। टीडीपी के नाम राम मोहन नायडू ने कैबिनेट मंत्री और डॉ चंद्रशेखर को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। टीडीपी के खाते में 1 भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद नहीं आया है। टीडीपी को मौजूदा लोकसभा सीटों पर सिर्फ 12.5% मंत्री पद मिले हैं। हालांकि सुनने में आ रहा है कि टीडीपी ने इससे कहीं ज्यादा की मांग की थी और लोकसभा स्पीकर का पद भी मांगा था। वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू लोकसभा चुनाव 2024 में सीटों के लिहाज से एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जेडीयू ने लोकसभा चुनाव में 12 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन जेडीयू को सिर्फ 1 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री का पद मिला है। जेडीयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह को कैबिनेट मंत्री और रामनाथ ठाकुर को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। खबर ये थी कि जेडीयू ने कम से कम 2 कैबिनेट मंत्री पद की मांग की थी। जेडीयू के खाते में भी 1 भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद नहीं आया है। वहीं जेडीयू को मौजूदा लोकसभा सीटों पर सिर्फ 16.6% मंत्री पद मिले हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी की तरफ से सहयोगियों से अभी सब्र रखने के लिए कहा गया है। सहयोगियों से कह दिया गया है कि वे अभी दबाव न बनाएं। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के दूसरे चरण में उनकी मांगों पर पूरी तवज्जो दी जाएगी। वहीं सहयोगियों के साथ सहमति होने के बाद ही मंत्री पदों का बंटवारा किया गया है।